अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक द कोडर्स। तो सीरीज चल रही थी हमारी एमएस वर्ड, तो ओपन कर लेते हैं। विन वर्ड टाइप किया, एंटर किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेलेक्ट तक जो है वो क्लियर कर दिया था। आज हमारा जो नया टैब स्टार्ट होने जा रहा है वो इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमें जो मेन्यू मिलता है, जो हमारे पास सबसे पहला टूल है वो है कवर पेज। तो कवर पेज पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो है बने बनाए कवर पेजेस मिल जाएंगे यहाँ से। तो कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके कवर पेज पे अपनी एडिटिंग कर सकते हो, नाम वगैरह चेंज कर सकते हो। मोर कवर पेज पे जाओगे ऑफिस डॉट कॉम पे, तो यहाँ से आपको मज़ीद कवर पेजेस मिल जाएंगे, नहीं तो आप लोग अपना भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से अक्सर हम लोग ऐसे ही करते हैं कि यहाँ से किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल कोई भी दे देता हूँ। जैसे कि हमारे पास में लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस, और डॉक्यूमेंट के सब टाइटल आप लोगों ने जो देना है दे दें। मैं कह देता हूँ सेकंड ईयर। तो ये हमारा कवर पेज रेडी हो गया। उसके अलावा डेट वगैरह लिखनी है, कंपनी नाम है या स्कूल का। अगर आप लोग असाइनमेंट वगैरह क्रिएट कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी का या स्कूल कॉलेज का, जिस चीज़ का भी नाम है आप लोगों ने यहाँ पे एंटर कर देना है। और एड्रेस भी अगर आप लोग लिखना चाहते हैं यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा कवर पेज। कवर पेज के साथ हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज के ऊपर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक जो है ब्लैंक पेज क्रिएट हो जाएगा। देखें, एक पेज ये है, एक और आ गया। तो कीबोर्ड से शॉर्ट की हम लोग प्रेस करते हैं, कंट्रोल एंटर, तो ये भी पेज ब्रेक की जो है शॉर्ट की है। अच्छा, ब्लैंक पेज हो गया। और हो सकता है कि हम लोगों ने कुछ लिखना स्टार्ट किया और पेज के मिड पे हम लोग पहुँचे और हमें याद आए कि भाई बस इस पेज पर इतना ही लिखना था, अब नेक्स्ट पेज पर लिखना है। तो यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ मैं, और उसके बाद जो है पेज ब्रेक जैसे ही करते हैं। देखें, यहाँ से ये पेज वहाँ पे ख़त्म हो गया और नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो गया। तो अगर हम लोग वापस होम वाले मेन्यू में आ जाएं, या होम वाले टैब में, मेन्यू बोलें, टैब बोलें, जो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे आ गए, तो अगर हम लोगों ने एक ऑप्शन देखा था शो एंड हाइड का, तो ये शो एंड हाइड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें पेज ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे पेज ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे फॉर्मेटिंग आपकी देखी जाती है कि आप लोगों ने सही फॉर्मेटिंग इस्तेमाल की है या नहीं की। तो एक आम बंदा क्या करता है, वो इंटर प्रेस करता है और इस तरह नीचे चला जाता है दूसरे पेज के ऊपर। तो ये था हमारा पेजेस का ऑप्शन। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो टेबल का है। इंसर्ट के अंदर हमारे पास नेक्स्ट जो है पूरा मेन्यू आ रहा है टेबल का। कंट्रोल ए करके मैंने सेलेक्ट ऑल कर दिया और बैक स्पेस के साथ सारा ख़त्म कर दिया। तो टेबल हमारे पास क्या होता है, रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। तो जहाँ पे रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे हमारे पास एक सेल जनरेट हो जाता है। तो बहुत सारे सेल जिस वक्त आपस में कंबाइन होते हैं तो उससे हमारे पास पूरा एक टेबल बन जाता है। आप लोगों की डीएमसीज वगैरह और भी बहुत से काम जो हैं, टेबल जो है ये बहुत काम की चीज़ है। ऑफिसेज में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लिस्टिंग में भी अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा रिजल्ट कार्ड्स वगैरह या इस तरह के मेन्यूज़ वगैरह अगर बनाने हो तो उसके लिए हमें टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो हॉरिजेंटल हमारे पास रोज़ होती हैं और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। तो अभी अगर मैं सिर्फ एक सेल सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास इसका क्या मतलब है, एक रो और एक कॉलम है। अगर इसी तरह मैं दो कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और फर्स्ट रो के अंदर ही मौजूद हूँ तो 2x1 का टेबल हमारे पास बन गया है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो कॉलम और एक रो है। अगर मैं यहाँ पे देखें 10x5 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, 10 कॉलम और 5 रोज हम लोगों ने सेलेक्ट कर दिए हैं। एक तरीका तो यहाँ से टेबल को सेलेक्ट करने का, और नहीं तो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देने हैं नंबर ऑफ़ कॉलम हमें कितने चाहिए और नंबर ऑफ़ रोज़। तो मैं नंबर ऑफ़ कॉलम कर देता हूँ फ़िलहाल 5, 6 कर दिए, और रोज़ में कर देता हूँ 100 रोज़ ऐड कर देता हूँ। अब ऑटो फिट बिहेवियर में मैंने फ़िलहाल इसको ऑटो ही रखा हुआ है। ऑटो फिट टू कंटेंट करेंगे, जितना टेक्स्ट होगा उसके हिसाब से सेल डिवाइड होता जाएगा। और ऑटो फिट टू विंडो का क्या मतलब है, पूरे पेज के लिहाज से उसको डिवाइड कर दिया जाता है।
तो फिलहाल हम लोग रख रहे हैं फिक्स कॉलम विड्थ। तो ओके प्रेस कर दिया मैंने, तो यहाँ पे हमारे पास जनरेट हो गए हैं जी 1 2 3 4 5 6 कॉलम और 100 रोज हमारे पास ऐड हो गई हैं। टेबल हमारा टॉपिक जो है वो लेंथी है, थोड़ा सा इसको समझना भी है। तो आज की डी सिर्फ आप लोगों को इतना दिखाना था कि टेबल जनरेट कैसे करते हैं, तो वो आप लोगों ने देख लिए। मज़ीद ऑप्शन जो हैं टेबल के करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इजाज़त चाहूँगा, अगर कोई क्वेश्चन है अभी तक तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग लिंक को फॉलो करते हुए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो फेसबुक पेज अगर ग्रुप अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लें, और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।